बाद डाना तूफान थी, तो अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आज तूफान गंभीर रूप लेगा, इसे लेकर कोलकाता के साथ ओडिशा के तट पर अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों का को हटाया गया है, जबकि रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि बंगाल में सियालदह स्टेशन से आज रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। डाना तूफान खास करके ओडिशा के तट पर अपनी तबाही मचा रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड में भी अब इसका असर देखने को मिला है, जहां पर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला है। तीन तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए ओडिशा के पुरी से यह तूफान गुजरेगा और ओडिशा के पुरी तट पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, और आपदा से निपटने की पूरी तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। अब देखिए ओडिशा में 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ये डाना आएगा। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनें अभी कैंसिल कर दी है, तो डाना का असर दिखना शुरू हो गया है। डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बिहार में 12 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है, तो इसका ट्रेन पर असर, फ्लाइट पर असर देखने को मिल रहा है और मौसम पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान डाना को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डाना तूफान का असर आज रात से देखने को मिल सकता है। बता दें कि जिले के सभी अस्पतालों को सिविल सर्जन ने अलर्ट किया है। डॉक्टर के साथ स्वास्थ्यकर्मियों और एम्बुलेंस की टीम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। डाना तूफान को लेकर गोपालगंज में भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोपालगंज में आज रात में डाना तूफान का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस वक्त मौसम साफ है और सभी इलाकों में धूप निकली हुई है, लेकिन जिस तरह से तूफान को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर गोपालगंज प्रशासन भी सतर्क और अलर्ट मोड में है। गोपालगंज के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है उसे तैयार कर दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने यह कहा है कि तूफान के मद्देनज़र अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कहा यह जा रहा है कि जो तूफान है वो आज रात में यानी कि 24 अक्टूबर की रात में बिहार में प्रवेश कर रहा है और इसका असर गोपालगंज के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में तूफान को लेकर लोगों से अलर्ट और सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। चक्रवाती तूफान डाना की वजह से आज बिहार से होकर गुजरने वाली 12 ट्रेन रद्द रहेगी। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने संबंधित ट्रेन के यात्रियों को जानकारी दे दी है। कुछ ट्रेन के आने जाने में भी बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। का असर जो है वो भारतीय रेल के परिचालन पे भी पड़ा है, और बताते चले कि आज बिहार से होकर के गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं 12 ट्रेनें ऐसी हैं जिसे आज रद्द कर दिया गया है। और ये ट्रेनें जो है जिसके संदर्भ में मैं जानकारी देता हूं कि कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो रद्द की गई है, तो 03-230 पटना पुरी स्पेशल जो है वो रद्द की गई है, 22-644 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस रद्द की गई है, 02-2832 भुवनेश्वर धनबाद जो स्पेशल ट्रेन है वो रद्द की गई है, 02-831 धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है, 18-419 पूरी जयनगर एक्सप्रेस जो है वो रद्द की गई है। जो जानकारी एक महत्वपूर्ण ये भी है कि 03-321 गुरपा तिलैया राजगीर एक्सप्रेस जो है आज 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन गुरपा से दोपहर 2 बजे खुलकर शाम 4:30 बजे राजगीर पहुँचेगी। और आखिरी जो जानकारी है वो बताते ये भी चले कि 03-3350 दानापुर सहरसा स्पेशल ट्रेन का प्रचालन जो है वो आज से 30 नवंबर तक प्रतिदिन होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है वो भारतीय रेल के प्रचालन से जुड़ी हुई है, और इसकी जानकारी जो है भारतीय रेल ने भी वैसे यात्रियों को दे दी है जो इन ट्रेनों में अपना रिजर्वेशन करा रखे थे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।